बीकानेर जिले की शेष रही ग्राम पंचायतों में पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही उम्मीदवारों के द्वारा अपनी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। पुग्गल पंचायत समिति की डेली तलाई ग्राम पंचायत में इस समय हम आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ के वोटर जो तारीख का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ के हालांकि हमने मूलभूत जो आवश्यक जो समस्याएं हैं, चिकित्सा को लेकर, पेयजल शुद्ध पानी को लेकर, सड़कों को लेकर, कहीं न कहीं इस समस्याओं को लिए युवाओं में भी ये मांग है कि इन व्यवस्थाओं को सही तरीके से किया जाए और युवा सरपंच चाहिए। हमारे साथ ग्रामीण हम इनसे जानना चाहते हैं, अब जो गाँव की सरकार चुन रहे, किस तरीके की सरकार चाहिए? सरकार तो कांग्रेस में महेंद्र सिंह जी है, अच्छा युवा हमने इसको खड़ा किया है और विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत बाकी है, ये कराएंगे। पंचायत में क्या ऐसी समस्या है जिसको आप सरपंच से उम्मीद कर रहे हैं? पंचायत थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है, करा रहे हैं जैसे मांग करते हैं। लेकिन गाँव में शुद्ध पेयजल को लेकर एक बड़ी समस्या है, चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पर एक समस्या है, शिक्षा को लेकर बात करें तो एक बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ डेली तलाई ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच उम्मीदवार भी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं, ये गांवों की सरकार चुनेंगे, 28 सितंबर को मतदान डालेंगे, आप किस तरीके का प्रचार यहाँ पे कर रहे हैं और मुख्य जो समस्या है उसका किस तरीके से निवारण करेंगे? ऐसा है, मेरा लड़का अभी महेंद्र सिंह नाम है, वो चुनाव सरपंच के उम्मीदवार है और युवा भी है, और युवा वर्ग की मांग भी यही रही है कि युवा हो, पढ़ा लिखा हुआ हो। तो मैं पूर्व में सरपंच रहा हुआ हूँ और जनता का मेरे प्रति प्रेम भी है, और विकास में हमारे यहाँ पहली समस्या तो है स्वास्थ्य की, जो बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है वर्ल्ड फूड वालों ने बढ़ा दी। पूर्व में जब सरपंच था 2000 से 2005 तक, जब यहाँ CID और ये अपने हेल्थ विभाग जहाँ CMHO तक और कलेक्टर महोदय तक सबको हमने बिल्डिंग दिखा दी, 16 बेड का यहाँ बिस्तर है, और हमारी सर्वप्रथम प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ डॉक्टर बिठाए, क्योंकि 40 किलोमीटर के दायरे में कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है, और ना तो NM रहती है, तो कभी आती है, ये टीकाकरण होता है उस समय आती है। दूसरी हमारा मेन उद्देश्य ये है, ये जो शुद्ध पेयजल, ये डिग्गियों में पानी पड़ा रहता है, कई वर्षों का पड़ा रहता है, कई दिनों का पड़ा रहता है, और आज की हालत ये है कि डिग्गियों के ऊपर हरियाली छाई रहती है, मतलब पानी पीने के लिए पशु भी नहीं पीता है। तो मेन तो हमारा ये स्वास्थ्य और हेल्थ ये आ गया, और शुद्ध पेयजल। तीसरी हमारे यहाँ समस्या मेन एजुकेशन की है, तो एजुकेशन में हमारे सेकेंडरी स्कूल पहले बनी हुई है, स्टाफ भी है, अच्छा स्टाफ है, और ग्रामीण में स्टाफ है, उनको हमारा विशेष ध्यान रहेगा, छोटे बच्चों को स्कूल भिजवाना, उनके जो अभिभावक है उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी, और मेरे लड़के भी प्रार्थना रहेगी, और मैं हर दम लड़के के साथ रहूँगा। और बाकी गवर्नमेंट की 60 योजनाएं हैं, ये बालिका योजना है, महिलाओं की पेंशन है, पुरुषों की पेंशन है, और ये सिंचित एरिया है, यहाँ आने जाने की रास्तों की मेन समस्या रास्तों की है, रास्ता कहीं नहीं है, जहाँ है वो कटान है। तो ये किसानों की और हमारी सहमति से लोगों के आवागमन के लिए ये हमारे को ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी समस्या हमारे इस डेली तलाई में पूर्व सरपंच उत्तम सिंह जी थे, तो उनके कुछ पट्टे काटे हुए, उसके बाद में कॉलोनाइजेशन का नक्शा आ गया, उसमें भी पट्टे काटे हुए, तीसरा अभी एक पट्टा नक्शा और जारी हुआ 2000 में। तो हमारी मेन समस्या आबादी को लेकर, अब ये कच्ची झोंपड़ी आप देख रहे हैं इधर, तो ये लोग क्या है, अब पट्टा किसका है, लोग बैठा कौन है, और ये नर्सरी की जमीन है नहीं है, ये भूल से वन विभाग ने लगाई है, हालांकि है ये, हमने तहसील में पता कर लिया, सब जगह पता कर लिया कि ये आबादी की भूमि है, तो ये लोग आज कब्जा करके बैठे हैं। तो मेरी इन लोगों के साथ ही मतलब सहानुभूति रहेगी और मेरा सहयोग रहेगा, भले जयपुर जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, मंत्री जी से मिलना पड़े, या हमारे विधायक है वर्तमान है उनसे मिलना पड़े, MP साहब है उनसे मिलना पड़े। आपका राजनीति में बड़ा कदर है, 2000 में आप सरपंच निर्वाचित हुए थे, अभी पिछली योजना के अंदर कोलायत में आपकी पुत्र वधु भी उपप्रधान रही है। इस पंचायतों के अंदर सबसे बड़ी समस्या है नरेगा को लेकर, नरेगा के अंदर करप्शन भी बड़ा होता है, आम मजदूरी जो करते हैं उनके तक उनकी पूरी राशि नहीं मिलती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और इनका क्या निदान रहेगा?
नरेगा में ये जो आज की योजना चल रही है ये इसमें 80% मतलब पैसे आ रहे हैं वो नरेगा से ही आ रहे हैं। SFC है, TFC है, उसके सिवाय नरेगा ही नरेगा से बजट मिल रहा है। तो मेरी ये प्रार्थना रहेगी और मेरे लड़के को मैं समझाऊंगा, ये जो मजदूर वर्ग है उनको ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये मैं कतई नहीं करने दूंगा। और मेरा सिद्धांत रहा है, मैं जब 2000 में सरपंच था तो उस समय मेरे ये डेली तड़ाई पूरे जिले की फर्स्ट पंचायत रही है और 1200 लेबर यहाँ चलती थी। तो उसमें हर आदमी को आज भी याद कर रहे हैं कि आम से एक सरपंच था तो हमारे कोठे अनाज से भरे हुए थे। सही बात है। आज ही मैं यही उम्मीद करता हूँ, ये नरेगा है, नरेगा मजदूरों की है और ये एक्ट भी बना हुआ है, सब पता है, सब दुनिया को पता है, मीडिया को पता है, अधिकारियों को पता है। मेरी यही प्रार्थना रहेगी और लेबर मौके पर लगनी चाहिए, काम करे या नहीं करे मौके पर होने चाहिए, उनको पैसे उनके हिसाब से जो ग्राम सेवक है या हमारे जो कनिष्ठ अभियंता अभिनेता है JTU है उनको कहेंगे कि गरीब हूँ कि ये रोजगार के लिए है, आप थोड़ी सी कृपा करके और इनको रोजगार सही ढंग से उपलब्ध कराए तो आजीविका इनके लोगों की बनी रहे। बिल्कुल, यहाँ के गाँव के ग्रामीणों का कहना है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। 28 सितंबर को जो मतदान होगा तो उसके अंदर गांवों की एक ही मांग है कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त, यानी कि नरेगा के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो इस पंचायतों में दोबारा ना हो। यही सरपंच प्रत्याशी के द्वारा इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि नरेगा में भ्रष्टाचार नहीं होगा, चिकित्सा और शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था भी की जाएगी। सुरेंद्र डेलू, खाजूवाला।